बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स के चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जो लोग धर्मपुर गए हैं, जो दोस्त धर्मपुर गए हैं, उनको आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूं। एक और लाहौर की, बल्कि ऐसा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, धर्मपुर की चैम्पियन छत पर आए हैं। और बहुत से दोस्त इस छत को जानते हैं, ये छत नई नई तैयार हुई है और छत किसकी है आपको ज़्यादा वेट नहीं करते तो उसके बारे में बताते हैं। ये छत है जी अली ट्रैवल भाई की, अली भाई साहब जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं उनकी छत है, और उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ दोस्त भी आए हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हसब रवायत जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत यूनिक और ज़बरदस्त व्यू नज़र आया है, एरोप्लेन जा रहा है, तो मैंने कहा इसको कैप्चर किया जाए, आपसे इसका भी तारफ कराया जाए। ये जी एयरपोर्ट से फ्लाई किया है और धर्मपुर के करीब से होते हुए ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। जा कहाँ रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। अली भाई थोड़ा सा ऊँचा बोलिएगा, कैसे हैं आप? अली भाई जो हमारे व्यूवर्स नए हैं उन्हें अपना तारफ कराएं जरा। मेरा नाम उस्ताद अली के नाम से मशहूर है, लाहौर के अंदर धर्मपुर में। जी जी उस्ताद डॉक्टर अब्दुलगनी साहब का शिक्षक हूं और उस्ताद रियाज पार्टी से। सर आपकी आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपकी तरफ हाजिर हुए हैं उस्ताद जी भी, उस्ताद असद साहब और सुहेल साहब, उस्ताद जी के अफसोस के लिए, उस्ताद अब्दुलगनी साहब जो लड़काना साहब वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। पहले तो उनका उनके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। सब भाइयों से बहुत अफसोस। अच्छा उस्ताद जी बताएं कि शौक कब से करने हैं? शौक सर बचपन से है, बचपन से जब छोटे होते थे 4-5 साल से तभी से दूसरों का शौक था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कोई घर वालों से डांट डपट के साथ मारे खाने के बाद कभी छोड़े कभी रखे। जी जी चढ़ी करते रहे करते रहे। उसके बाद जो प्रॉपर शौक है वो 2012 से स्टार्ट किया था। सही प्रॉपर जिसमें टूर्नामेंट खेले और बाजियाँ लगानी शुरू की 2012 से। सही। और अपने पास कौन कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं जी धर्मपुर में? काफ़ी रिकॉर्ड हैं जी। 2012 से ही जो है जब पहली बाजी उड़ाई थी तो तब भी सुहेल भाई का कप था 2 पॉइंटों का। जी जी उसमें फर्स्ट आए थे। उसके बाद काफ़ी घरों से बाजियाँ भी थी, शाम 7-7:30 बजे तक कबूतर बैठे थे। जी जी सही। तब से लेके अब तक काफ़ी रिकॉर्ड हैं। लाहौर में भी कहीं ना कहीं पहले 10 नंबरों में रहते हैं टॉप 10 पोजिशन के अंदर, और काफ़ी जहाँ जितने भी कप होते हैं कहीं ना कहीं अल्लाह ताला इज्जत दे। सर ज़बरदस्त। आपने कौन कौन से कबूतर रखे हुए हैं सर? सारे कबूतर हैं तकरीबन, जोंसले भी हैं, टैडी भी हैं, राज अंकल भी हैं। बस वक्त के साथ साथ जो काम करते हैं जो वफादार हैं। अली भाई आपको सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से कबूतरों से आया है? देखिए इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो मैं ज़्यादातर लाइक करता हूँ मेरे जॉनसन कबूतर हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बनस्पत टैडी और इनकी अपनी अपनी पसंद होती है। जी जी चलें दोस्तों आपको उस्ताद जी के कबूतरों का शौक भी कराएंगे। तो आपके साथ उस्ताद जी बैठे हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। सर आप तारफ कराएं, जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनको अपना तारफ कराइएगा प्लीज। जी जी मेरा नाम उस्ताद असद शरीफ है। जी जी और मैं मियांमीर से, मियांमीर जो है ना दरबार, जी जी से बिलोंग करता हूं। सही जी जी। और वन टू वन मुकाबलों में माशाल्लाह हमेशा अच्छे उस्ताद हैं जी। उस्ताद असद शरीफ मियांमीर के और बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट है। वन टू वन मुकाबले बड़े अच्छे खेलते हैं, कप भी करवा रहे हैं अभी। जी जी मियांमीर धर्मपुरा ड्राइपोर्ट हाँ जी, और उसमें कुर्बान लाइन भी है। सही बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे। और ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हो रहा है? हाँ जी जी हमारे पीर भाई थे अलजना सीम कर रहे हैं, तो बहुत हो गए थे कोई उस्ताद असद अली खान। जी जी पिपला सीमियां वाली से थे। जी जी तो उनके नाम से करा रहे हैं टूर्नामेंट ये वाला वसाख का पहला एतवार। सही तो इंशाल्लाह कुछ 4 एरिया हमने लिए हैं लाहौर के, ये जो धर्मपुरा ड्राईपोर्ट अपर माल हाँ जी, और मियां मिर्जा कुर्बान लाइन हाँ। सही विसाख का पहला इतवार हमने रखा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बड़े अच्छे ऐसे तरीके से कि जो है ना वो अपने सारे अंजाम पाए। सही सही।
सर आप अपने उस्ताद मोहतरम का नाम बताइएगा, किसके शागिर्द हैं आप, कब से शो कर रहे हैं? वो भी फौत हो गए हैं और उनका नाम था उस्ताद निसार अली खान। जी जी, रेलवे में होते थे। सही, ताल्लुक कहाँ से था उनका? लाहौर से। लाहौर से था। सही सही जी। सुहेल भाई सलाम अलैकुम। सुहेल भाई कैसे हैं आप? सर आप बताएं कुछ। क्या बताना है, हम अपने भाई की छत पर आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, उस्ताद डॉक्टर गनी साहब का अफसोस कर रहे हैं। जी जी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन जी आमीन। तो इसलिए ये दो सब इकट्ठे हुए थे आज। सही सही। तो मैंने कहा अली भाई की तरफ चलते हैं, काफी देर हो गए थे मुलाकात भी नहीं थी। जी जी, तो हमारा भाई है, एक लाभ है ये हमारा। सही सही। अच्छा अली भाई, जो नए शौकीन हज़रात हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहें आप? सही सही। और कबूतरबाजी में कोई क्या कहते हैं कि कौन से जोड़े लगाने चाहिए या क्या, उस बारे में आप कहना चाहिए? लेकिन वसीम भी, कबूतर सारे अच्छे होते हैं, उन्हें मैदान में छोड़ें, मैदान में छोड़ के देखें जो परफॉर्म कर रहा है वही अच्छा है। जी जी, परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, अपने उस्ताद से मशवरा करें, थोड़ी बहुत उनमें चेंजिंग करें, बस जो काम कर रहा है उसे रखें। चले अली भाई, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और असद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और भाई आपका बहुत शुक्रिया, और सुहेल भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।